दोस्तों आज से हमारा टैली का क्लास स्टार्ट हो रहा है। आप लोग टैली के बारे में नाम सुने हैं, इसलिए आप लोग क्या करें, टैली पढ़ना चाह रहे हैं और टैली पढ़ने के लिए सोच रहे हैं। तो सबसे पहले जानें कि टैली है क्या, टैली का यूज क्या होता है। टैली के बारे में तो नाम सुने हैं बहुत कि टैली है टैली, पर टैली का रियलिटी में यूज क्या होता है और इसका हम लोग पढ़ क्यों रहे हैं इसके बारे में, उसके बारे में सबसे पहले बात करते हैं। जैसे कि आज के समय में बिजनेस हो रहा है तो बिजनेस का रिकॉर्ड करने के लिए हमारा टैली का यूज किया जा रहा है, ठीक है। पर कहिएगा कि बिजनेस तो पहले भी था, तो हाँ पहले भी टैली का जो रूल्स है पहले भी किया जा रहा था, पर पहले और में थोड़ा सा डिफरेंट क्या है कि पहले जो भी किया जाता है मैनुअली किया जाता था, अब जो किया जा रहा है वो सारे के सारे कंप्यूटराइज बेस किया जा रहा है। यही दोनों में अंतर है। पहले का जो ऑपरेट करते थे बिजनेस वो हमारे मुनीम जी होते थे, जो कि मैनुअली हार्ड रूप में करते थे, यानी कॉपी किताब पे करते थे। पर जो आज जितना भी हमारे काम हो रहा है सॉफ्टवेयर के माध्यम से हो रहा है, वो भी कंप्यूटराइज कंप्यूटर के बेस से हो रहा है। आज जितना भी हो रहा है क्या हो रहा है, कंप्यूटर के बेस से हो रहा है। यही दोनों में अंतर है। तो दोनों को रूल, पहले का मुनीम जी थे और अब का जो अकाउंटेंट है, दोनों का तरीका काम करने का एक ही है। बस थोड़ा सा क्या है अंतर है कि वो कंप्यूटराइज हो गया, आयो मैनुअली था, ठीक है। पर सबसे पहले रूल को, ये काम को करने से पहले इसके रूल्स की जानकारी सभी को होना चाहिए। क्या मुनीम थे तो सभी लोग मुनीम बन गए, आज अकाउंटेंट सब अकाउंटेंट होने गए? नहीं, जो उस चीज के बारे में जानकारियां होगा वही उस काम को कर पाएंगे। तो हम लोग आज हम टैली के बारे में बताने आए हैं कि आप लोग कैसे टैली यूज कीजिएगा, कैसे टैली पे काम कीजिएगा, कैसे स्टार्ट। तो सबसे पहले इसके बारे में, तो आज का जो मेरा मेन क्लास है वो हमारा परिचय है कि टैली है तो टैली का क्या है, टैली का महत्व क्या है, टैली का इंपॉर्टेंस हमारे लाइफ में क्या है या बिजनेस में क्या है, उस चीज पे सबसे पहले क्या करेंगे, बात करेंगे। तो ध्यान दीजिए कि सबसे पहले जरूरत है कि सर हमारा टैली जो पढ़ रहे हैं, ठीक है, टैली पढ़ रहे हैं तब वो टैली है क्या? तो यहाँ पर कह रहा है टैली इज क्या जी, पॉपुलर अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर। एक ऐसा सॉफ्टवेयर है, अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर, जो कि बिजनेस को सही तरह से मेंटेन करता है और बिजनेस को सारी रिकॉर्ड को क्या करता है, बैलेंस करता है। इसलिए हमको इसको क्या कहते हैं, अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर कहते हैं। कह रहा है इट इज यूज टू इन मेनी कंट्रीज। हम लोग पता है कि बिजनेस तो हर एक कंट्री में हो रहा है, चाहे इंडिया हो चाहे अदर कंट्री हो, सभी में क्या हो रहा है, बिजनेस का यूज किया जा रहा है। तो बिजनेस का यूज करने को, बिजनेस को ऑपरेट करने के लिए, बिजनेस को रिकॉर्ड करने के लिए क्या होता है, हमारे टैली का यूज किया जाता है। तो हम लोग पता है हमको। उसके बाद हमारा कह रहा है हिस्ट्री ऑफ टैली। तो सबसे पहले जानेंगे कि टैली तो है, तो टैली सबसे पहले टैली का स्टार्टअप कैसे हुआ और किसके द्वारा किया गया, इस चीज को सबसे पहले क्या करेंगे, हम समझने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले जो टैली सॉल्यूशन है, करा टैली सॉल्यूशन बाज को फाउंडेड इन 1986 में, यानी जो हमारा टैली का जो डेवलप हुआ है, टैली का शुरुआत हुआ वो हमारा 1986 में, यानी 1986 में हुआ। तो बोले किसके द्वारा किया गया, आगे पढ़िए, करा कि श्याम सुंदर गोइनका और हिंसन है ना, क्या भरत गोइनका, यानी जो डेवलप किया गया है, कब किया गया, 1986 में, किसके द्वारा, श्याम सुंदर गोइनका और उनके बेटे क्या जी, भरत गोइनका के द्वारा किया गया। इसका डेवलप करने का रीजन क्या था, तो रीजन उनके फैमिली का जो कॉटन का बिजनेस था उसमें क्या गया था, हम लोग का आग लगने से क्या हो गया था, वो डिस्ट्रॉय हो गया था, उनका नष्ट हो गया था। तब जाकर क्या हुआ, इस नष्ट हो जाने के बाद क्या हुआ, इस प्रोग्राम यानी टैली का उन्हें स्टार्टअप किए, कब किए, 1986 में किए। तो स्टार्टअप किए थे तो उनका जो नाम था क्या था, है ना, पेंट्रोनिक्स फाइनेंशियल अकाउंट के रूप में उसका नाम रखा गया था, ठीक है ना, जो कि क्या था, अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन ग्रुप में था। पर इसका कंपनी जो आपका जो डेवलप कंपनी जो डेवलप हुआ वो कब हुआ, 1981 में। फिर जाकर क्या हुआ, इनकी जो कंपनी का जो नाम रखा गया वो टैली सॉल्यूशन रखा गया। तो यहां से समझिएगा कि सर टैली का जो पुराना नाम था, टैली का जो स्टार्टअप नाम था क्या था, पेट्रोनिक्स फाइनेंशियल अकाउंट था, जिनका कंपनी कब हुआ था स्टार्टअप, 1991 में। और फिर इनका कंपनी को रीनेम करके हमारा 99 में टैली सॉल्यूशन के नाम से रखा गया, जो कि आज इसका क्या है, टैली का तरह तरह क्या है आपका वर्जन है, और टैली जैसे कि बहुत सारे इसका क्या है वर्जन है। तो देखिए ये सब हम पहले जो बातें की है वो टैली पे बात की, टैली क्या है, टैली का जो हिस्ट्री था, टैली डेवलप कैसे हुआ, टैली कैसे क्या हुआ, उसके बारे में बात की। उसके बाद अब जानेंगे कि टैली का जो सर वर्जन है वो कितने होते हैं, क्योंकि
समय आने के बाद क्या होता है, टैली का जो वर्जन होते हैं वो क्या अपडेट होते हैं, नए नए वर्जन लॉन्च होते हैं। तो सबसे स्टार्टिंग का टैली का था जो कौन सा वर्जन था और जो अब का जो चल रहा है वो कौन सा वर्जन है। तो आइए क्या करते हैं, टैली का हम क्या करते हैं वर्जन पे सबसे पहले हम बात कर लेते हैं। चलिए दोस्तों, तो क्या करते हैं टैली का वर्जन पे क्या करते हैं बात कर लेते हैं। जैसे आप जानते हैं कि हर एक चीज़ में क्या आता है, बदलाव आता है। जैसे जैसे समय चेंज होता है, जैसे जनरेशन चेंज होता है, वैसे वैसे क्या होता है, सभी में एक नए आपका प्रोग्राम या नए चीज़ का क्या होता है, डेवलप होता है। तो उसी तरह से हमारा टैली का जो है हमारा है उसमें भी क्या हुआ है, डेवलप हुआ है। यानी पहले हमारा कुछ टैली कुछ और था, अब हमारा प्रेजेंट टाइम में टैली का कुछ और वर्जन है। तो ये सबसे बड़ी चीज़ कि सब बदलाव क्यों होता है, क्योंकि सबसे पहले जो होते हैं उसमें फीचर्स कम होते हैं और उसमें ऑप्शंस कम होते हैं और यूज करने का थोड़ा सा मेथड भी अलग होते हैं। तो जैसे समय बदलता है तो उसको इजी करने का और फीचर ज़्यादा इंक्रीज करने के लिए करते हैं, हम क्या करते हैं उसको हम डेवलप करते हैं। यानी सभी लोग जो हमारे सॉफ्टवेयर डेवलपर होते हैं वो क्या करते हैं उसमें डेवलप करते हैं। जिससे कि आपका पहले का मोबाइल 3G था, आपका मोबाइल 5G है, तो इसमें दोनों में अंतर देखिएगा कि पहले का जो मोबाइल था उतना से फीचर नहीं था हमारे पास, यानी उतना हमारे पास क्लियर नहीं था। पर आज के समय में जो है हमारा क्या हो, इतना एडवांस हमारे मोबाइल में फीचर हो चुका है कि मोबाइल के माध्यम से हम क्या कर सकते हैं, सारे काम कर सकते हैं। तो उसी तरह से टैली का जो हमारा ओल्ड वर्जन था उसमें बहुत सारे फीचर्स अवेलेबल नहीं थे, पर जैसे जैसे समय चेंज हुआ है तो उससे क्या हमारा टैली का अलग अलग वर्जन मार्केट में आया, जो कि अलग अलग यूज करने का तरीका और अलग अलग एडवांस फीचर भी अवेलेबल है। तो देखिए सबसे पहले जो आया था हमारा जो टैली था, तो वही हम सबसे पहले ये जानेंगे। देखिए लिस्ट में यहाँ पे क्या है, ग्राफ पे हम यहाँ टैली का जो पूरा वर्जन है उसके बारे में हम दिखाए हैं। तो देखिए चलिए वर्जन ऑफ टैली प्राइम, या तो देखिए यहाँ पे लिखा हुआ वर्जन ऑफ टैली, यानी टैली का संस्करण यानी उसका वर्जन। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पे कुछ लिखा हुआ है, यहाँ टाइटल लिखा हुआ है, यहाँ पे क्या उसका जो कब रिलीज हुआ उसका यहाँ पे डेट है। तो सबसे पहले टैली है ना 3.0 जो 99 में आया था, हमारा टैली 3.12 आया था 99 में आया था, टैली 4 हमारा 1992 में आया था, टैली 4.1994 में आया था, टैली 5.4 हमारा क्या 1996 में आया था, और टैली हमारा 6.3 2001 में आया था, और हमारा टैली 7.2 है 2005 में आया था, और टैली हमारा 8.1 2006 में आया था, और टैली जो 9 है वो हमारा 2006 में, और टैली ERP 9 है वो हमारा 2009 में रिलीज हुआ था, और जो लेटेस्ट हमारा है वो हमारा है टैली प्राइम जो कि हमारा 2020 में आया है। आज मार्केट में ज़्यादा मोस्टली हमारा हम लोग क्या यूज कर रहे हैं, टैली प्राइम का यूज कर रहा है। कोई भी बिजनेस हो रहा है, कोई भी फील्ड है, आज लेटेस्ट का यूज इस्तेमाल ज़्यादा करना चाहता है, क्योंकि लेटेस्ट का यूज करने से हमारे ये फायदा होता है कि उसमें एक्स्ट्रा फीचर होते हैं, एडवांस फीचर होते हैं, है ना, बहुत सारे चीज़ उसमें क्या होते हैं, ज़्यादा फीचर होते हैं जो कि ओल्ड वाले की अपेक्षा क्या होते हैं इसमें थोड़ा ज़्यादा होते हैं। इसलिए हम क्या लेटेस्ट वाला थोड़ा ज़्यादा यूज करना चाहते हैं। तो हम लोग का क्लास जो चलने वाला है वो हमारा इसी टैली प्राइम के बारे में क्या होगा, चलेगा, ठीक है। तो टोटल आज का जो क्लास था केवल हमारा इंट्रोडक्शन के पार्ट था कि टैली का इंट्रोडक्शन और उसका जो वर्जन होते हैं उस पर बात किया। जैसे जैसे हमारा आगे बढ़ेंगे वैसे जैसे पूरी टैली प्राइम हमारा जो क्लास चलेगा वो हमारा टैली लेटेस्ट हमारा जो टैली है टैली प्राइम उसी पे क्या होगा, बात होगा। यानी उसी प्रोग्राम से कैसे उसको ऑपरेट करेंगे, कैसे उसको यूज करेंगे, उसी के बारे में क्या करेंगे हम बताएंगे। तो आप लोग क्या करते हैं, जैसे आपको सीरीज के अनुसार आपका वीडियोज में आपका टोटल आपका आता रहेगा। तो इसमें सबसे पहले देखिएगा दोनों एक ध्यान देना है कि हमारा सबसे पहले जो मैनुअली हिसाब से होता है उस चीज़ को पहले बात करेंगे, यानी मैनुअली क्या होता है, यानी जनरल एंट्री क्या होता है, लेजर क्या होता है, ये सारे जो मैनुअली पहले जो मुनीम भाई थे वो कैसे करते थे मैनुअली, उस चीज़ को हम पहले सीखेंगे। उसके बाद जो हमारा सॉफ्टवेयर पे काम कैसे करते हैं उस चीज़ को उसके बारे में बात जानेंगे। तो हमारा वीडियो आता रहेगा उसमें क्या होगा जी, कैसे हमारा स्टार्टिंग से हमारा मैनुअली कैसे सीखेंगे, है ना, उसके बाद कैसे सॉफ्टवेयर पे काम करेंगे उस चीज़ के बारे में हमारा जीरो से क्या रहेगा, धीरे धीरे आगे की ओर हमारा वीडियोज बाय वीडियो आता रहेगा जिसमें हमारा सारे चीज़ इन्फॉर्मेशन कलेक्ट रहेगा और हमारा इसी के बारे में क्या जानकारी है। सबसे मेन पर्पज़ हमारा होता है जो ज़्यादा मोस्टली होता है बच्चों में वो होता है मैनुअली एंट्री, जो मैनुअली एंट्री होता है उसी में बच्चों को
प्रॉब्लम होने लगता है। तो मैं इस चीज को सोचा कि नहीं, जो बच्चे में जो प्रॉब्लम हो रहा है उस चीज को मैं देखना चाहता हूँ, उस चीज को दूर करना चाहता हूँ, उस चीज को वहां सामने लाना चाहता हूँ, ताकि बच्चों को प्रॉब्लम होता है तो उसको दूर कैसे करना है, इस चीज के बारे में क्या करते हैं। जैसे कि आपका मैनुअली एंट्री थोड़ा सा बच्चे क्या होता है, यहीं पे जाते बच्चे जाके फंस जाते हैं। जैसे DRSCR एक टॉपिक है, उसमें क्या होता है, अब मोस्टली बच्चे होते हैं जो फंस जाते जाके। तो मैं उसी को बहुत आसान तरीका से, बहुत नॉर्मल तरीका से क्या करेंगे, आपको बताएंगे और उस चीज को, प्रॉब्लम को दूर करेंगे। ठीक है, तो आप मेरे वीडियो को प्रॉपर आप लोग रेगुलरली देखते रहिएगा और आपको हर एक टॉपिक को आपका वीडियोज के रूप में आपका मिलता रहेगा। चलिए, थैंक यू, धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।